प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। याज्ञ बल्लभ जी भारद्वाज ऋषि को, याज्ञ बल्लभ भारद्वाज ऋषि जी को त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, त्रिवेणी कहाँ है? प्रयागराज। त्रिवेणी पर शिव चरित्र यानी कि याज्ञ बल्लभ जी भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि याज्ञ बल्लभ जी को प्रश्न किए कि प्रभु आप कुछ कथा सुनाइए शिव जी के बारे पर। तो याज्ञ बल्लभ जी भगवान शिव जी को कथा बड़ी सुंदर किसको सुना रहे हैं? भारद्वाज जी को। क्या सुना रहे हैं? देखिए रामचरितमानस में वर्णित है, कपार त्रेता युग माही शंभु गए कुभंजरी सिपाही। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर यानी। यानी एक समय भगवान शिव जी एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय, त्रेता युग का समय जिस समय भगवान राम जी का वनवास काल था, तो वनवास काल का समय भोलेनाथ के मन पर एक ग्लानी उत्पन्न हुई। ग्लानी यही उत्पन्न हुआ क्या कि देखिए प्रभु राम जी भोले बाबा को अपना आराध्य देवता मानते हैं, अब भोले बाबा श्री राम जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं, इस समय कुभंज ऋषि के आश्रम पर बड़ी सुंदर राम कथा प्रवचन हो रहा है, राम जी की कथा, राम जी का गुणगान बखान हो रहा है, हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ भगवान की कथा सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाए, कथा सुनने के लिए चलने लगे। क्या बताया गया है? एक बार त्रेता युग माही असंभ गए कुभंज ऋषि पाही। उस समय मैया पार्वती कहने लगी कि हे स्वामीनाथ कहां जा रहे हैं? कहने लगे कि हे देवी इस समय कुभंज ऋषि के आश्रम पर राम जी का कथा चल रहा है और हम वहीं पर कथा सुनने के लिए जाएंगे। तो कहने लगे कि हे प्रभु हमें भी साथ ले चलिए। तो भोलेनाथ कहते हैं क्या कि हे देवी अति सुंदर, क्योंकि अगर कथा सुनने के लिए जाए कोई भी धर्म अनुष्ठान करें हम तो बिन पत्नी कथम धर्मं आस्मराणां प्रवर्ते। बिन पत्नी के अगर पत्नी है तो साथ में लेकर के ही करना चाहिए, तभी परिपूर्ण लाभ होता है। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की। अगर कथा सुनने का मन है तो अपने कथा पर आए तो अपने पत्नी के साथ ही लेकर के कथा पर बैठकर भगवान की दिव्य कथा सुने। तो शिव जी कहने लगे बड़ी सुंदर विषय है कि संग सती जग जननी भवानी, जगत के माता श्री जगदम्बा अपने स्वामी देवता के साथ धीरे 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 कुभंज ऋषि के आश्रम की ओर चलने लगे। उस समय कुभंज ऋषि जी कथा प्रवचन कर रहे थे। अब कथा चलते समय शिव और पार्वती जी कथा पांडाल में पधारे। अब देखिए जो व्यास है जो कथा वाच रहे हैं, जिसका गुणगान जो परमात्मा को कर रहे हैं,
वही परमात्मा अगर सामने आ जाए तो व्यास क्या करे, उनका तो पूजन करना ही पड़ेगा। तो या कुभंज ऋषि ने क्या किया कि फूल पान जो भी है उनके सामने लेकर के और व्यास पीठ से उतर करके धीरे धीरे शिव और पार्वती के पास जाकर के बड़ी सुंदर से उनके पूजन करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदय अरविंदे सदा संत हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहित्यम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम निर्वाण रूपम शिवम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निराकाशमाकाशवासम मनयम गुणाकार मंगार मूल तुरीयम कर्पूर गौरम शंकर भगवान की जय पार्वती महारानी की।